तो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। और आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें हम देखने वाले हैं ये ईओन के अंदर जो नया इन्फोटमेंट सिस्टम लगाया हुआ है, वो जो इसका बेसिक इन्फोटमेंट सिस्टम है उसके अंदर मतलब इतने कुछ ज्यादा फीचर्स नहीं आते, लेकिन हमने अभी क्या किया कि इसके अंदर हमने लगा दिया है ये एंड्रॉयड बेस्ड जो इन्फोटमेंट सिस्टम है वो। तो अभी ये बाहर से आपको दिख रहा है ये जो कि है 10 इंच वाला इन्फोटमेंट सिस्टम है। और इस 10 इंच वाले इन्फोटमेंट सिस्टम के अंदर क्या क्या खास फीचर है ये अभी मेगासोनिक का लगा रखा है हमने। तो अभी ये जो इन्फोटमेंट सिस्टम है इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं तो मैं आपको जल्दी से इसका एक तो बाहर से फिजिकल ओवरव्यू दे देता हूं और इसके अंदर जो भी फैसिलिटीज आपको मिलती है वो सब अभी आपको दिखा देते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो बाहर से बात करें तो ये इसकी जो फिटिंग है काफ़ी बढ़िया फिटिंग हुई है, मतलब ठीक ठाक है। वैसी फिटिंग तो नहीं होती, तो यहाँ पे एक नॉब दिया हुआ है जो इसके थ्रू इसको वापस हटाया जा सकता है। और इसको मतलब इसको लगाने के बाद इसका जो गाड़ी का लुक है काफ़ी अलग हो गया है, देखिए पूरा। और जो इसकी फिनिश की बात करो तो ये है काफ़ी फिनिश वाला प्रोडक्ट है मेगासोनिक का और इसमें पहले से ही फिट आता है। तो यहाँ पे बाहर से देखें तो ये इसकी स्क्रीन है वो, इस पर अभी कोई टेम्पर ग्लास कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो वो भी हम इस पर लगा सकते हैं। और अभी इसके बाहर से बात करें तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर यहाँ पे इनबिल्ट ही माइक है और यहाँ पे रिसेट का एक बटन दिया हुआ है, साथ में यहाँ पे पावर का बटन है और एक ये होम का, रिटर्न का, वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन के बटन भी इसमें साथ में दिए हुए हैं जो कि लाइट के साथ बैकलिट होते हैं। और यहाँ पे बाकी जो सारा सिस्टम है वो इसमें सेट हो चुका है। तो चलिए अब इसको फटाफट एक बार मैं आपको बूट करके दिखा देता हूँ कैसा लगता है इसके अंदर का सिस्टम। तो चलिए मैं इसको ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं अभी ये ऑन हो चुका है और FM चल रहा है पहले ही। तो बंद कर देते हैं, कैसे बंद, यहाँ से करके बंद कर देते हैं। तो कुछ इस तरह का है ये इन्फोटमेंट सिस्टम। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं डेस्कटॉप के अंदर ऊपर क्या क्या आ रहा है। यहाँ पे लेफ्ट साइड के अंदर यहाँ पे म्यूजिक पैनल है और राइट साइड के अंदर यहाँ पे क्लॉक सेट है और ऊपर यहाँ पे जैसे एंड्रॉइड के अंदर आता है उसी टाइप से क्लॉक है। और यहाँ पे ये एक पैनल दिया हुआ है जिसके थ्रू आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। और यहाँ पे ये मल्टीटास्किंग वाले मतलब जो ऐप अभी रन कर रहे हैं वो सारे आ रही है। और ये बैक का है और यहाँ पे ये होम स्क्रीन का एक और बटन टच स्क्रीन में दिया हुआ है। नीचे कुछ ऐप्स को डायरेक्ट यहाँ पे नेविगेशन का दिया हुआ है, रेडियो का दिया हुआ है, ब्लूटूथ का दिया हुआ है, ऐप्स का दिया हुआ है और म्यूजिक का और सेटिंग का। अभी हम क्या करते हैं एक एक इसके फंक्शन लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका जो एंड्रॉयड वर्जन है वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद हम सिस्टम इन्फो में जाएंगे। तो यहाँ पे ये यहाँ पे शो कर रहा है अभी जो इसका एंड्रॉयड है वो ये है और ये एंड्रॉयड 10 पे बेस्ड है। और यहाँ पे इसकी 2 GB रैम और 16 GB वाला वेरिएंट है। इसका जो CPU है वो S7 Cortex वाला है और 1.3 GHz पे ये क्वाड कोर CPU है। डिस्प्ले का रेजोल्यूशन की बात करें तो 1024x600 इसका जो डिस्प्ले है वो है। और बाकी अभी इसके फीचर्स की बात करूँ तो मैं यहाँ पे जो इसमें ऐप्स है तो सबसे पहले हम ऐप्स देख लेते हैं कौन कौन सी ऐप यहाँ पे मिलती है। आपको यहाँ पे ऐप मिलती है म्यूजिक ऐप, ये गाना ऐप मैंने डाउनलोड की है, जीमेल मैंने डाउनलोड की है, GPS टेस्ट मैंने डाउनलोड किया है। यहाँ पे एक ऑक्स केबल का भी ऑप्शन मिलता है लेकिन अभी यहाँ पे कोई ऑक्स केबल शायद पीछे की साइड से लगती है। अलावा यहाँ पे ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, कैलेंडर और सेट करके एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसके अंदर पता नहीं क्या सिस्टम होता है उसमें, मतलब हो सकता है कार की कोई स्पेशल सेटिंग्स आती हो। यहाँ पे आपको सेटिंग दी हुई है। बाद आगे स्वाइप करो तो यहाँ पे आपको क्रोम ब्राउजर मिलता है, DAB मतलब डिजिटल ऑडियो बूस्ट है शायद ये आपको मिलता है, जो आपके कार का स्टीरियो साउंड है आप उसको बूस्ट कर सकते हैं इसके थ्रू। अभी यहाँ पे नेट अवेलेबल नहीं है इसलिए कनेक्ट कर रहा है मैं भी शायद। अलावा यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, फाइल मैनेजर आपको देखने को मिलता है, जी हाँ गैलरी भी है इसके अंदर। यहाँ पे जो नोकिया वाले हियर मतलब हियर मैप मिलता है, यहाँ पे GPS गूगल मैप्स मिलता है, नेविगेशन का एक और मिलता है और यहाँ पे फोन लिंक करके एक सॉफ्टवेयर मिलता है जिसके थ्रू आप अपने मतलब फोन को कनेक्ट कर सकते हो और उससे जो फाइल है वो रिसीव कर सकते हो। तो यही ऐप आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, उसके थ्रू आप फाइल शेयरिंग कर सकते हो। प्ले स्टोर का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, ये बहुत ही बढ़िया बात है। आपको इसमें प्ले स्टोर मिलता है जिसके थ्रू आप यहाँ पे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे देखे तो यहाँ पे रेडियो का ऑप्शन आ जाता है, साउंड रिकॉर्डर का ऑप्शन आ जाता है, वीडियो का ऑप्शन आ जाता है और यहाँ पे आपको मिल जाता है YouTube। और रेडियो की बात करें तो यहाँ पे रेडियो आपको FM का सारे फीचर मिल जाते हैं और यहाँ पे आप उसको स्कैन वगैरह कर सकते हो। तो अभी हाल फिलहाल तो मैं इसको हटा देता हूँ। फिर इसके बाद आती है कि बात की क्या हम इसका वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, आप जैसे एंड्रॉयड में वॉलपेपर चेंज कर सकते हो वैसे इसमें भी आप इसके जो वॉलपेपर है इसमें आप अपनी चाहे जो फोटो लगा सकते हो और अपने हिसाब से इसके वॉलपेपर को चेंज कर सकते हो। हाँ ये काफ़ी बढ़िया फीचर लगा मेरे को।
आपको जो वॉलपेपर पसंद है आप वो वॉलपेपर लगाइए। तो नेविगेशन की बात करें तो नेविगेशन भी इसका काफी बढ़िया लगा मुझे, नेविगेशन काफी अच्छा चलता है। तो यहाँ पे जो नेविगेशन है देखिए यहाँ पे डिटेक्ट कर चुका है अभी मैं कहाँ पे हूँ, वो लोकेशन काफ़ी बढ़िया आती है। और यहाँ पे आप इजीली सर्च करके मतलब जो भी आपकी मैप जिस तरह से यूज़ करते हैं सेम उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ब्लूटूथ का कनेक्शन का ऑप्शन मिलता है तो आप यहाँ पे मतलब ब्लूटूथ को कनेक्ट कर लीजिए। और ब्लूटूथ जैसे अभी मैं कनेक्ट है मेरे OnePlus 7T से, तो उसके बाद आप जो फ़ोन कॉल्स हैं वो भी यहाँ पे रिसीव कर सकते हैं और अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी आप यहाँ पे ला सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनके थ्रू भी यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। बाकी आप अपने फ़ोन का जो म्यूजिक है म्यूजिक एल्बम है वो भी आप यहाँ पे ब्राउज कर सकते हैं, म्यूजिक चला सकते हैं। ब्लूटूथ म्यूजिक, ब्लूटूथ की आप सेटिंग है यहाँ पे, ब्लूटूथ की सेटिंग दी हुई है तो ब्लूटूथ की सेटिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, उसका पिन नंबर चेंज कर सकते हैं, ऑटो आंसर का मोड है वो है सब है। तो एक बार यहाँ पे ये म्यूजिक की एप्लीकेशन है, कुछ इस तरह से म्यूजिक की एप्लीकेशन दी हुई है और यहाँ पे इसके अंदर कुछ इसकी सेटिंग्स हैं म्यूजिक की तो वो कुछ इस तरह से है। और यहाँ पे आप इसमें फोल्डर हैं वो सिंगर, इस टाइप से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं एक बार आपको इसमें रिकॉर्ड ऑडियो है वो साउंड रिकॉर्ड करके सुना देता हूँ। इसमें देखिए साउंड रिकॉर्डर भी है। तो यहाँ पे देखिए मैं अभी जैसे साउंड आवाज़ कर रहा हूँ उस टाइप से देखिए यहाँ पे जो इसके वॉइस की जो लेवल है वो टिल्ट कर रहा है, तो यहाँ पे अभी रिकॉर्ड कर रहा है अपने इस इनबिल्ट माइक के थ्रू। तो एक बार मैं इसको प्ले करके देखते हैं, यहाँ लिस्ट पे जाएंगे, लिस्ट पे जाने के बाद इसको मैं चला के देखूंगा। तो यहाँ पे अभी रिकॉर्ड कर रहा है अपने इस इनबिल्ट माइक के थ्रू। तो इस तरह से देखिए आप यहाँ पे साउंड भी रिकॉर्ड हो रही है इसके इनबिल्ट, और इसी माइक के थ्रू आप यहाँ पे है ना कॉलिंग कर सकते हैं। और हम इसके सेटिंग्स है वो सेटिंग्स देख लेते हैं आखिर क्या क्या सेटिंग है मेगासोनिक। तो एक बार हम इसकी सेटिंग्स देख लेते हैं आखिर क्या क्या सेटिंग है मेगासोनिक के इस वाले वेरिएंट में। तो सबसे पहला ऑप्शन है उसमें है डिवाइस पोर्ट, तो डिवाइस पोर्ट में ये यहाँ पे ये कुछ दिए हुए हैं कि आखिर वो क्या क्या है इसमें, डिवाइस के पोर्ट में क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। इसकी बात करें तो ये फ्यूज़ वगैरह का बारे में कुछ बताया हुआ है शायद। यहाँ पर बात करें तो सिस्टम इन्फो ये हमने देख ली थी। इसके बाद यहाँ साउंड के ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर कुछ लेवल्स दिए हुए हैं और यहाँ पे यहाँ से ना जो साउंड है उसको शिफ्ट कर सकते हैं कि आप फ्रंट में रखना चाहते हैं या साइड में या कहाँ कौन सी जगह। इसके अलावा यहाँ पे फैक्ट्री कोड के अंदर आपको पिन कोड लगाना पड़ेगा। कार सेटिंग की बात करते हैं सेट इनटू कार, यहाँ पे कोई कार के अंदर स्पेशल सेटिंग्स नहीं है। एंड्रॉयड की बात करें तो यहाँ पे एंड्रॉयड की जो बेसिक सेटिंग्स होती है वो आती है। तो यहाँ पे सिस्टम्स में जाके मैं आपको अबाउट कार में दिखा देता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे इसका ये तो मॉडल नंबर आ रहा है, एंड्रॉयड वर्जन 10 है, सिक्योरिटी वर्जन यहाँ पे अभी फरवरी 2020 का इसमें सिक्योरिटी वर्जन है। और इसको मैं अगर ऑन करूँ तो बिल्ड नंबर पर टैप करेंगे, जी हाँ ये आप डेवलपर बन गए हैं, डेवलपर ऑप्शन आ गया है। सिस्टम अपडेट का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, सिस्टम अपडेट का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब है कि शायद इसमें इन फ्यूचर भी अपडेट्स आएंगी। और बाकी जो नॉर्मल एंड्रॉयड के अंदर फीचर्स होते हैं वो है। बाकी यहाँ पे वीडियो किस वॉल्यूम की सेटिंग की बात करें, मिक्सिंग रेशियो और इस टाइप से करके और कॉल के कितने वॉल्यूम है वो सब दी हुई है। ब्राइटनेस की बात करें तो यहाँ पे ब्राइटनेस दिया हुआ है। नेविगेशन के लिए बात करें तो नेविगेशन में आप ये दो ऐपन में से कोई सी भी चूज़ कर सकते हैं और बूट स्टार्ट ऑलवेज है। GPS डिटेक्शन की बात करें तो यहाँ पे ये देखिए GPS डिटेक्ट कर रहा है लगातार यहाँ पे रेड और ये इस टाइप से मतलब सिग्नल कितने आ रहे हैं वो सब यहाँ पे शो कर रहा है। GPS थोड़ा सा मेरे को इसका वीक लगा, हो सकता है कि उसने ठीक से इंस्टॉल किया है या नहीं किया, थोड़ा सा वीक है GPS। वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे स्टीयरिंग लाइन का फंक्शन है। लोगो की बात करें तो लोगो यहाँ पे लोगो सेटिंग आ रही है, यहाँ पे आप अपने जो बूटिंग के टाइम है वो लोगो सेट कर सकते हैं। तो भैया काफ़ी सारे बढ़िया बढ़िया ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आप चाहो जो मतलब बूटिंग के टाइम लोगो सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये अदर सेटिंग में कुछ और सेटिंग दी हुई है, इसमें फ्लोट बार ऑफ है, इसको ऑन कर देते हैं एक बार। अच्छा ये टचिंग के लिए पैनल आ गया है यहाँ पे। तो इस तरह से कुछ यहाँ पे सेटिंग्स दी हुई हैं। तो यहाँ पे कार सेटिंग स्क्रीनशॉट ऊपर से देखें तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ये सेटिंग दी हुई है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। कार सेटिंग है OnePlus से अभी कनेक्ट है, यहाँ से आप इसकी स्क्रीन ऑफ कर सकते हो, वापस टच करने पर ऑन हो जाती है। यहाँ पे कार एम्पलीफायर का, वीडियो आउटपुट का और ये सब सारे
ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छा एंड्रॉयड सिस्टम है और ये जो है 10,000 के रेंज में इसमें पड़ा है, मतलब 10,000 के अंदर आपको ये पूरा फिट करके और दिया गया है, तो काफ़ी बढ़िया लगा मेरे को। तो वीडियो अगर आपको हेल्प करे तो बताना, लाइक ज़रूर कर देना अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो, और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।